अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इंसान को जानना बेहद ज़रूरी है। रात से पहले ये काम ज़रूर करें। जी हाँ नाज़रीन, मौलाए कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम का ही फरमान है कि रात से पहले ये काम ज़रूर करें। तो कौन से है वो काम, जानते हैं हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोहतरमाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए नाज़रीन, बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक मर्तबा इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने अकीदतमंदों को वाज फरमा रहे थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब रात होती है तो जिन्नात इधर से उधर गुजरते रहते हैं और उनमें से कुछ शैतानी जिन अंधेरा होने के सबब इंसान के घरों की तरफ रुख करते हैं और फिर उन घरों में रहकर नफरत, हसद और इख्तलाफात बढ़ाते हैं। बात जब यहाँ तक पहुँची तो एक शख्स कहने लगा, या अली, तो हम ऐसा क्या करें कि शैतानी जिन इंसान के घर तक ना पहुँचे। बस जैसे ही ये पूछा गया तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ बंदाए खुदा, जैसे ही रात हो तो अपने घर में उजाला किया करो, चराग रोशन किया करो, रोशनी किया करो, क्योंकि जैसे ही शैतानी जिन घरों की तरफ रुख करते हैं तो वो जिस जिस घर में रोशनी को महसूस करते हैं तो वो उस घर में दाखिल नहीं हो पाते और यूं वो घर शैतानी जिन्नात, नफरत, परेशानियों और हसद से दूर रहता है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि जैसे ही रात करीब हो तो अपने घर में चराग रोशन किया करो, क्योंकि इस अमल से अल्लाह की रहमत इंसान के घर में अपना घर बना देती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे हर इंसान तक ज़रूर पहुंचाइए। इसी तरह की मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय देकर हमारी हौसला अफजाई कीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम।